सर, आप लोगों का 12 तारीख को छात्र महापंचायत, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, छात्र महापंचायत हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी छात्र महापंचायत होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर लाखों हजूम छात्रों का इस बात को प्रमाण करेगा। कुछ दिन सरकार को अपने सारे फैसले वापस लेने पड़ेंगे जो छात्र विरोधी हैं। जिस तरीके से छात्र संघ बहाली के लिए, बढ़ी हुई फीस वृद्धि के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और जो विश्वविद्यालय के अंदर घोटाले भ्रष्टाचार में उसके खिलाफ ये बड़ी छात्र महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देश के बड़े बुद्धिजीवी, देश के सांसद, राज्यसभा के, लोकसभा के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रिप्रेजेंट करने वाले विधायक, विधान परिषद के सदस्य इस छात्र महापंचायत में आएंगे। और उसी दिन लाखों की भीड़ होगी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर, जब छात्र नौजवान यहाँ अंगड़ाई लेगा। विवेकानंद के जयंती के अवसर पर जब छात्र नौजवान अंगड़ाई लेगा, तो छात्र नौजवान की अंगड़ाई के सामने, उनके हुजूम के सामने, यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो कुलपति हैं, जो यहाँ की विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहती हैं, उसी दिन इनका भी सफाया हो जाएगा। और जो सरकार, जो हुक्मरान है, जो लगातार इनको पसरा दी है, उनकी भी आंखों में नींद खुल जाएगी कि हमने कैसे तानाशाह लोगों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठाया था, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए हम लोग 12 तारीख को छात्र महापंचायत में उसी दिन हम लोग फैसला ले लेंगे। उसी दिन लड़ाई आर पार की होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे और छात्र नौजवानों की जीत होगी। सर, छात्रों के ऊपर फायरिंग भी हुई, इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? देश का जब आज़ादी के नायक जब आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, तो उनके भी ऊपर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती थी, उनको जेलों में डाल दिया जाता था, लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कभी नहीं झुका। तो उसी प्रकार अगर हमारे छात्र नौजवानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो छात्र नौजवान भी नहीं झुकेगा और ये लड़ाई आर पार की होगी। और इस लड़ाई को ऐसे भगत सिंह के वंशज हैं, ये चंद्रशेखर के वंशज हैं, बापू के मानने वाले लोग हैं, हम लोग लॉर्ड डलहौजी, कर्नवालिस और जनरल डायर के संतानों को इस विश्वविद्यालय से उखाड़ कर फेंक देंगे। और ये विश्वविद्यालय एक इतिहास लिखेगा कि जब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जुर्म, अत्याचार और यहाँ पर दमन हुआ, तो विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन दमनकारियों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उखाड़ फेंकने का काम किया। सर, पर्चे बता दो। अवनीश यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।